चैनल नॉलेज विद रितिका। स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप ये देख रहे हैं ना रे, ये जो वेव्स आ रही हैं यहाँ से, ये जो ऊपर वाली वेव्स है इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहीं जो नीचे है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये तो दोनों फील्ड है, जब ये दोनों फील्ड एक साथ होती हैं तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी डेफिनेशन है, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी ये कैसे प्रोड्यूस्ड होंगी? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स। और ये क्या होंगी? आपस में परपेंडिकुलर होंगी। जो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और जो ये वेव्स है ये जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में भी ये परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट इसके क्या प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्ट नंबर पर हमारी प्रॉपर्टी आती है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होंगी वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी और वो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं वो उस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर होंगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। जो साउंड वेव्स या फिर कोई और वेव्स होती हैं, कोई वेव्स वाटर में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई उन्हें मीडियम चाहिए होता है प्रोड्यूस होने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोड्यूस होने के लिए। इवन दे कैन मूव इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच डिफर From one another in wavelength or frequency। हमारे पास बहुत ज़्यादा तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे से wavelength या फिर frequency से differ करती हैं। Next है, different kinds of units are used to represent electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो फर्स्ट नंबर पर हमारी आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? स्टूडेंट देखिए, जैसे ये हमारी एक वेव है, जो वेव है ये क्या है? क्रेस्ट होती है ऊपर वाली, और जो नीचे ही होती है हमारी ट्रफ होती है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ, जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू टॉप ऑफ द क्रेस्ट, उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे ये है, ये क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट से वन सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास आउट हो रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्स। नेक्स्ट है वेव नंबर, जिसको हम जो ये फ्रीक्वेंसी का साइन होता है ऊपर बार लगा देना है, इससे डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? वन अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा। अगर किसी भी चीज़ का हमें वेव नंबर फाइंड आउट करने को आ जाए तो हमने क्या करना है? वन अपॉन लैम्डा करके उसे फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।